हाय फ्रेंड्स, मैं अनीमा, माय वेंजेंस बाय अनीमा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, यहाँ मैं भटूरे आपको तल के दिखा रही हूँ। देखिए ये कितने फूले फूले से बन रहे हैं और ये बाद में भी बिल्कुल फूले ही रहेंगे। तो ऐसे भटूरे बनाने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर भटूरे बिल्कुल फूले आपको दिख रहे हैं। चलिए तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आप देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए ये कितनी सॉफ्ट है और इसके अंदर की जाली देखिए। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए पूरी वीडियो देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 1/2 kg मैंने मैदा ले रखा है। अब इस 1/2 kg मैदे में अब हम क्या ऐड करेंगे, ऐसे ही आप बीच से होल बना लीजिए। थोड़ा सा बड़ा आपको प्लेट लेना है और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच लेना है, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच लेना है। 1/2 kg का ये रेशियो है। इसी तरीके से 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच चीनी लिया है। चीनी बहुत अच्छा एक कलर और कैरेमलाइज करता है। यहाँ इनो लिया है, बाद में ऐड करेंगे। और ये सूजी है 4 बड़े चम्मच के जितना है, हम ये ऐड करेंगे। इससे जो भटूरे हैं वो फूले फूले रहेंगे। कर्ड ले रखा है, 200 ग्राम है और इसी में हमें इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छा सा एक मिक्स दे दिया। अब हम यहाँ पे इनो को ऐड करेंगे, जो 1 पैकेट इनो है उसको हम यहाँ पे ऐड करें। इनो कोई फ्लेवर वाला आप मत लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डालकर इसको अच्छे से हमें गूंदना है, ठीक है। एक अच्छा सा हम स्टिकी सा डो हमें बनाना है, तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और हल्का सा जैसे ही गूंद ले आप, वहाँ पे रिफाइन ऑयल, घी, जो भी आप चाहें इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और ये देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए सिर्फ, तो इसमें ऐसे होल्स बनाएंगे और इन सब में को हम पानी इसमें डाल के, और फिर देखिए हम किस तरीके से इसे हमें मसलना है। इसे हाथों से हमें मसलना है ताकि इसमें बहुत अच्छा सा एक स्ट्रेच बने। इस तरीके से अपने हथेलियों से अच्छे से मसलिए। इस तरीके से 4 से 5 मिनट मसलना है और फिर इसके बाद डो इकट्ठा होने लग जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लेके हाथों में आप इसको मसलिए, डो इकट्ठा होने लग जाएगा। फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे एक जगह और इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस तरीके से हम, और इसको हम एक गर्म जगह में या अच्छे से ढक के रख देंगे। 1/2 घंटे के लिए रख दीजिए, 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इनो है तो 1/2 घंटे 10 मिनट भी रख सकते हैं। यह मैंने 1/2 घंटे के लिए रखा था। देखिए 1/2 घंटे में ये कितनी अच्छी स्ट्रेच आ गई है। जो हमने स्ट्रेच किया था, आटे को अच्छे से मला था, उसकी वजह से बहुत अच्छी एक स्ट्रेच आ गई है। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे रखिए, उससे और भी अच्छा बनेगा। लेकिन इनो डाला है तो चलिए अच्छे से ये बन जाएगा। इनो या फिर आप ईस्ट, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। अब इसमें से एक छोटी सी लोई तोड़ी है। जैसे हमने 4 भटूरे बनाने हैं तो 4 के अकॉर्डिंग हम इसके बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। देखिए अब बॉल्स बहुत स्मूथ होना चाहिए, बहुत चिकना होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अंगूठे और उंगली के बीच से इसको निकालना है बॉल्स को। देखिए इस तरीके से आटे को चिकना कीजिए, फिर आटे को ऐसे राउंड राउंड ऊपर में चिकना हो गया। अब इसी तरीके से अंगूठे और उंगली के बीच से बॉल्स को निकालिए। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। सारे जो भटूरे बनाने वाले होते हैं इसी प्रोसेस से बॉल्स बनाते हैं। और इन बॉल्स को आप एक किसी प्लेट में, किसी भी बर्तन में आप उसको रख लीजिए। भटूरे बनाने से पहले आपको ये बॉल्स बना के इसके ऊपर ऑयल लगा के रख लेना होगा। अगर आपने बहुत कम देर भटूरे को, आपके पास बहुत कम टाइम है, 10-15 मिनट है, तो आप गुनगुना ऑयल इस पर डाल सकते हैं। जो भटूरे तलने के लिए आप ऑयल ले रखे हैं उसी को डाल दीजिए। और यहाँ पे हम चकले पे, बेलन पे, सब पे ऑयल लगा लेंगे। और इसको देखिए सबसे, मैं 2-3 तरीके आपको दिखा रही हूँ, तो आप पहले तो मैं हाथों से बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से हाथों पे आप हल्का सा इसी प्रोसेस से आप बनाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने किस प्रोसेस से बनाया और कौन सा प्रोसेस आपको ईजी लगा। तो ये मैंने हाथों से मैंने बना दिया। अगर आप हाथों से नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए मैं दूसरा प्रोसेस दिखाती हूँ। आप बिल्कुल इसमें थोड़ा सा मैदा हम लगाएंगे अपने बॉल्स में। देखिए मैदा लगा लिया और जैसे आप रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनानी है आपको। इस तरीके से बेलिए, और चूंकि इसमें मैदा लगा हुआ है आप उठा के भी पलट सकते हैं। और हल्का सा जैसे मैंने बेल लिया, अब थोड़ा सा और फैलाना है तो ये बहुत अच्छा डो बन के तैयार होता है। हाथों से ही आप स्ट्रेच कीजिए। और देखिए कॉर्नर्स को हम थोड़ा मोटा रखेंगे, बीच में ही हम इसको बेलन को चलाते हुए इसको बनाएंगे। तो कॉर्नर्स में अगर हमने पतला कर दिया तो हमारा भटूरा फूलेगा नहीं। तो ये चीज़ बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली है। तो इसी तरीके से आपको हाथों से फैला लिया या बेलन से, जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे कर लीजिए। दूसरा भी भटूरा हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए तीसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आटा लगाने से कई बार ऑयल ख़राब हो जाता है। तो आप बिना ऑयल
भी बेलन से बना सकते हैं, बिना आटा लगाए भी बेलन से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस में क्या करना होगा, आप उठा के नहीं पलट सकते, तो आप इस तरीके से चकले को ही घुमा लिए और हाथों से हल्का सा देखिए बेलन से करने के बाद फिर हमने हाथों से कर दबा लिया और वही प्रोसेस, किनारे मोटे होने चाहिए। यहाँ जो ऑयल ले रखा है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने चेक किया, एकदम से एक छोटा टुकड़ा डाला और एकदम से वो ऊपर आ गया, इतना गर्म होना चाहिए ऑयल। और जब भी आप भटूरे डालें तो थोड़ा सा हाथों पे एक बार वापस से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए और भटूरे डालिए और उसके ऊपर इस जैसे मैंने ऑयल डाला है इसी तरीके से आप ऑयल डालते रहिए और देखिए ये कितने अच्छे से फूल के तैयार होगा। ये बहुत अच्छा एक टेक्निक है, इस तरीके से भटूरे अच्छे फूल के तैयार। आप देख सकते हैं कितने अच्छे भटूरे फूले हैं। तो इसी तरीके से आप बनाइए और ये भटूरे बहुत सॉफ्ट अच्छे बनते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो कीजिए और इसी तरीके से बनाइए, आपके भटूरे बहुत अच्छे बन के तैयार होने वाले हैं। चलिए दूसरा भी हम देख लेते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच करिए डालने से पहले। और अब ये स्ट्रेच हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो आटे में जो स्ट्रेच हुआ है, जो हमारे डो में स्ट्रेच आया है, उसके वजह से जितना बड़ा आप भटूरा बनाते हैं वो रखने के बाद थोड़ा छोटा हो जाता है। तो वापस से हम इसको स्ट्रेच करते हैं और तब हम ऑयल में डालते हैं, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद भी ये थोड़ा सा सिकुड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके से, अभी इस पर मैंने ऑयल बहुत नहीं डाला लेकिन हल्का सा दबाते हुए भी हम बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छे से फूल जाता है। देखिए कितने अच्छे से फूल गया हमारा दूसरा भटूरा भी। तो इस तरीके से हम सारे भटूरे तल के तैयार कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार होके आपके भटूरे दिख रहे हैं। और ये देखिए अभी तक भी ये भटूरे बिल्कुल फूले हैं। और ये देखिए तोड़ के भी देखिए बिल्कुल अच्छी सी जाली बन के आई है ना। तो चलिए फटाफट से बनाइए, इसी तरीके से आप भटूरे बनाइए और भटूरे बना के मुझे बताइए आपके भटूरे कैसे बने हैं। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए, आपके कमेंट पढ़ने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसे छोले के साथ फटाफट से शेयर कीजिए, छोले की रेसिपी मैंने पहले ही डाल दी है। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।